शहर के निरंजन डॉट के पुल पर बुधवार को मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे रेल अधिकारियों ने आनन फानन में डिब्बों को वहां से हटवाया, तब जाकर रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हुआ। देखिए, एक खाली मालगाड़ी थी जो गाजियाबाद की दिशा से आ रही थी और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तरफ जा रही थी। इसका उसको प्रयागराज जंक्शन क्रॉस करते समय इसके 3 वैगन डिरेल हो गए हैं और पतित हो गए हैं, जिसको रिस्टोरेशन करने का कार्य तेजी से चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेलवे की पूरी रिस्टोरेशन टीम उच्च अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद है। शीघ्र यातायात चालू कर दिया जाएगा। जी। देखिए, अभी हमारा जो रिस्टोरेशन पर है, और इतना हम कह सकते हैं कि जो भी ट्रेन बाधित हो रही है उनमें प्रयास किया जा रहा है कि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, ऐसे स्टेशन पर इनको खड़ा किया जाए। अब आप देख सकते हैं शीघ्र कार्य किया जा रहा है। अब ये बहुत इसमें तुरंत एक समय के समय सीमा बांधना इसको ठीक नहीं होगा, जल्दी चालू कर दिया जाएगा। ये अभी रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, बाकी जो ट्रेन बाधित हो रही हैं उनके बारे में आपको अभी अलग से सूचना दे दी जाएगी। वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने बताया कि खाली मालगाड़ी प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 8 से नैनी स्टेशन के लिए 3:05 बजे रवाना हुई। स्टेशन मास्टर पवार केबिन ने 3:07 बजे सूचना दी गई कि पॉइंट 282-283 के निकट गाड़ी अवपथित हो गई है, जिससे अप और डाउन लाइन ब्लॉक हो गई है। इस अवपथन में मालगाड़ी का 17, 18 एवं 19वां डिब्बा अवपथित हुए हैं। अमित मालवीय ने बताया कि सूचना प्राप्त होते ही वरिष्ठ अधिकारी तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गए तथा उनके नेतृत्व में रिस्टोरेशन कार्य प्रगति पर है। मालगाड़ी के आगे और पीछे के डिब्बों को ट्रैक से हटा दिया गया है। डाउन लाइन चालू की जा चुकी है तथा अप लाइन के रिस्टोरेशन हेतु कार्य प्रगति पर है। जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि पहली डाउन लाइन में गाड़ी जोधपुर हावड़ा 12,308 तथा दूसरी गाड़ी छपरा दुर्ग 15,159 शाम को 6:35 बजे पास हुई।